नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28th of March 2021 के बारे में। 28 मार्च 2021 आप सभी के लिए कैसा जाएगा, कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है, क्या चीज़ें करने से आप सभी को बचना है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। 28th मार्च 2021 होली का दहन का दिन रहेगा। ये होली का त्यौहार मनाया जाएगा और मेरी ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार की होली आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आप सभी के जीवन में भी कोरोना का डर हटा के खुशियों के रंग आपके जीवन में भर दिए जाए। चलिए अब बात करते हैं 28th of March 2021 कैसा रहेगा आप सभी का दिन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। 28th फर्स्ट नंबर जो आता है हमारे पास आता है नंबर 1। यहाँ पर कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या आता है चेक करते हैं, 5, 6, 7, 8 और एक 9। 9 नंबर आपका मार्स का नंबर, एक नंबर आपका सूर्य का नंबर और दिन कौन सा है तो दिन है रविवार का दिन। ग्रहों और नक्षत्रों की कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो ये वो दिन रहेगा दोस्तों जब मंगल और राहु बहुत ज़्यादा क्लोज डिग्री पर यहाँ पर रहेंगे एक दूसरे के साथ। जब मंगल और राहु इतने क्लोज यहाँ पर डिग्री संबंध बनाएंगे तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, तो वैसा ही कुछ माहौल आप सभी के जीवन पर भी होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं एनर्जी आप सभी की बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आप सभी रहेंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ सकता है या बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिविटी आ सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। आप सभी का एनर्जी लेवल टॉप पे रहेगा तो इस एनर्जी को अच्छे कामों में और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ना कि आप इस एनर्जी को ख़राब करें या वेस्ट करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। होली का त्यौहार है, फैमिली के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि जितना अच्छे से आप इस दिन को निकाल पाएँ उतना अच्छे से निकालिए, क्योंकि इस कठिन समय में, कोरोना के समय में, ये एक फेस्टिवल ही कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हम बहुत अच्छे से निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से अगर निकालेंगे तो इससे हमारा दिन और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 28th of March 2021 को जो एनर्जी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी एनर्जी लेवल बड़ी हाई रहेगी, मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी और पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो सकारात्मकता है, वो जो एक पावर है आपके पास, उसको अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी पूरे दिन बहुत आराम से रिलैक्स होकर और एक लेवल मेंटेन करके चलिएगा ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी आपको ना हो और बहुत ज़्यादा आप किसी का अपना या किसी और का नुकसान ना कर दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, बातचीत करते समय पूरी सावधानी रखनी है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अगर आप पैसों का कोई लेन देन कर रहे हैं, वैसे मैं मना करूंगा, संडे का दिन भी है, होली का दिन भी है, पैसों के लेन देन को ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी अगर करते हैं तो सावधानी पूर्वक करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देश और दुनिया में भी अगर देखा जाए दोस्तों तो देश और दुनिया में भी ये दिन जो है दिखने में तो होली का दिन है, एक त्यौहार का दिन है, बट कहीं ना कहीं मुझे अशांतिपूर्ण यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा शांति नहीं दिखाई देती देश में और पूरे विश्व में भी, कहीं ना कहीं माहौल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि होली का दिन जो है वो सभी के जीवन में अच्छा जाए और सभी के लिए अच्छा ही रिजल्ट लेके आए। वैसे मैंने होली के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं होली के ऊपर, तो अगर यहाँ पर सभी उन योगों को लेकर, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली दिन भी पॉजिटिव जाएगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो मेष राशि के लिए दिन थोड़ा सा संभल के चलने वाला दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, आपको भी थोड़ा सा संभल के रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, शांति से और आराम से दिन निकालिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। धनु राशि, पैसों के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और कुंभ राशि, आपको बस थोड़ा सा अपने बोलने पर ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें दोस्तों तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 7 वालों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती।
अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो अल्फाबेट्स में आप देखिएगा ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, जी अल्फाबेट, जे अल्फाबेट, एल अल्फाबेट, वी अल्फाबेट, इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी आपको ना हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अचूक उपाय की। देखिए अचूक उपाय बताने से पहले मैं जो भी उपाय आपको बताता हूँ वो एक एक उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होता है और एक एक उपाय काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपने भी अब तक मेरे उपाय नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा एक बार करके ज़रूर देखिएगा, मन की शांति भी मिलेगी और कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे उपाय किए हैं और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिला है ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये उपाय कितने ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर भी देखने को मिल जाए। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या अचूक उपाय करना है जिससे कि आपका पूरा दिन शानदार जाए, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो। सबसे पहले सुबह जिस भी पानी से आप स्नान करेंगे उस पानी में थोड़ी सी चीनी मिला के स्नान ज़रूर करिएगा। पानी में चीनी मिलाइएगा और उसके बाद स्नान करिएगा तो वहाँ से एक दिन की जो शुरुआत होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होते हुए यहाँ पर आपको दिखेगी। होलिका दहन का दिन है, होलिका दहन में अगर आपके घर के आसपास मोहल्ले में कहीं पर भी होलिका दहन होता है तो वहाँ पर जाके आप अपनी नज़र उतार सकते हैं और एक नारियल लीजिएगा, इस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार घुमाइएगा और होलिका दहन में फेंक दीजिएगा। इससे आप अपनी नज़र उतार सकते हैं और अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों को भी अपने से दूर रख सकते हैं। बहुत सिंपल उपाय है और ये उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी ज़रूरी काम से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप नीले कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पीले कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही कलर आपके लिए यहाँ पर अच्छे रहेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो उपाय है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको करना है रविवार की शाम को। आपको ये उपाय करना है रविवार की शाम को, नोट करिएगा क्या करना है। आपको आटा लेना है, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसका एक दिया बनाना है, आटे का दिया बनाना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक आटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के आटे का आपको दिया बनाना है और इस दिए को आपको घर के बाहर चौखट पे, जो आपकी घर की चौखट होती है उसके ऊपर आपको लगाना है ये दिया। घर की चौखट पे ये दिया जो आप लगाएंगे ये दो मुखी दिया होगा, मतलब कि जो आपकी दिए की जो बात होगी वो दो तरफ निकली हुई रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिया जो होगा वो सरसों के तेल से लगा सकते हैं आप, सरसों का तेल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर भी दिया आप रखेंगे उसके वहाँ पर हल्का सा, अगर आपने गुलाल ला के रखा हुआ है घर पे तो गुलाल नहीं है तो कुमकुम आप रख सकते हैं, कुमकुम और हल्दी मिक्स करके भी रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, और गुलाल है घर पे तो गुलाल रख दीजिएगा और उसके बाद आप एक दिया लगा दीजिएगा। इससे आपकी आर्थिक परेशानियाँ ख़त्म होने में मदद मिलेगी, घर में सुख शांति रहेगी और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा उपाय है, ये उपाय आप करिएगा, इससे आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये उपाय आपको अच्छा लगेगा और आने वाला ये जो होली का दिन है ये पूरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगेन एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को, आप सभी के परिवार के सदस्यों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को इसी तरह से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ इस वीडियो को शेयर कर पाएँ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।